वो मैं ये स्टार्ट किया और काशी अयर तो वो बुला लेते थे ड्राइवर को, क्योंकि ड्राइवर में जाना है तो हाँ बार में डायरेक्ट सेंटर के बजाय वो टाइम टेबल देते थे पढ़वा देते थे टाइम टेबल, बताओ रूटीन क्या है, बॉडी का मैक्सिमम रनिंग है, बॉडी का ये नॉर्मल रनिंग ड्रेसिंग है, हाँ बस या उसको कल से उसको भेज देता है क्यों, बिकॉज मेरे को लगता है समय उस समय ड्राइवर्स का डिमांड था। अभी ये जैसे आपने तो एंग्लो इंडियंस का टाइम देखा हुआ है, तो डिस्क्रिमिनेशन किस टाइप का? बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो था ना, तो क्या ग्रेड में तो याद है क्या ग्रेड ग्रेड डिफरेंस तो मैं बोलता हूँ ड्राइवर ग्रेड सी इंडियन का ही ग्रेड था कितना, मेरे को आइडिया है फर्स्ट पे कमीशन में 130-240 ग्रेड था सी ग्रेड और इंडियन में, हाँ और ये एंग्लो यूरोपियंस एंड एंग्लो डेज उनको 150 और कुछ उनको भी कुछ ज़्यादा दे 150 से स्टार्ट, हाँ अच्छा माइलेज पेमेंट इंडियंस को जैसे ट्रिप जाते थे जितना किलोमीटर रन किए किलोमीटर पेमेंट होता था, वो यूरोपियंस कुछ थे उनको किलोमीटर पेमेंट नहीं होता, उनको आवर्स में पेमेंट होता, अच्छा ओवर टाइम उन लोग को डबल मिलता था, उनको एक हार्ट सेक्शन अलाउंस सेंटर मिलता था, सुना है ना हार्ट सेक्शन होता है वो इंडियंस को नहीं मिलता उन्हीं को, ये थर्ड पे कमीशन में फिर साथ बराबर है, फर्स्ट पे कमीशन का हुआ था उनको ज्ञान होता है, आप हमको मौका मुझे बता दीजिए क्या आपका किस साल में भर्ती हुए फिर सेकेंड फायरमैन का अंदाज अपॉइंटमेंट तो मालूम है 1950 का एज क्लीनर डायरेक्ट कैसे आए तू नहीं, मैं बड़ा इजी है मेरे गांव से पकड़ के बनाते थे अपॉइंटमेंट और बच जाते थे, कितना पढ़े लिखे थे आप उस टाइम में, मैट्रिक नहीं किया था लेस देन मैट्रिक क्वेरी टेंडर है, अच्छा अंडर एज अपॉइंटमेंट है हमारा सर्विसिंग में अंडर राइट डिंग से कोर्ट में गया एक बार, ये अभी कोई विश्वास नहीं करेंगे, तो उस टाइम में क्या है जो अंडर एज अपॉइंट होता था उनको 1 रुपया कम था, वो एज आने के बाद वो 1 रुपया दे देते, कितना कितना था एज उस टाइम में 40 था कितना, ऐसी तो क्या करते थे शहर में वॉशआउट करना और ये सब नहीं, बहुत सा काम हम लोग करते थे, देखिए मेडलिन प्लांट था, मेडलिन प्लांट था ब्रास बेरिंग्स था उसको मंडार देरी, मैं ज़्यादातर सुपरवाइजर टाइप के ही करते थे, क्यों हम लोग डिक्लाइन नहीं करते थे, हेड मीटर्स वगैरह करते थे जब तुम जाओ मेडलिन करो एरेंथेटिक चूलिंग को मट्टी के कितना होना ये देखना, वो लोग काम करते थे स्पीड में देखो और पहले आर ओ एच का काम देखो उसके बाद आई ओ एच का पाना ठिकाना और सी एन डब्ल्यू का काम भी आता था, तो मेटलिंग में से मेटलिंग प्लान और एक वेस्ट वेस्ट सोकिंग प्लांट होते हैं ना, और जो देखिए ऑयलिंग एक्शन में होता है देखिए कितना वाटर नॉल्स को बनाते थे और हाँ पैकिंग 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 वो इतना अच्छा हमको अभी याद आया, वो प्लांट ये इतना अच्छा एक जो छोटा सा ये था स्टीम से करते थे और वो होने के बाद जो उसमें से निकलता था ना वो ये ब्रास बेरिंग वाले में पूरा सेट करते थे, वही है बेरिंग, हाँ 3 महीने 4 महीने में एक बार होता था बेटा कोर भी लगता है और इंजन का बड़ा एक्शन बॉक्स है और WG फर्स्ट इंजन आया जो रोलर डली था
बाद सेकंड पार्ट, उसके बाद सेकंड पार्ट मैंने उसमें जब सेकंड पार्ट में गए मेहंदी सफाई करना पूरा जो होता है ये करना इंजन को ऑयलिंग करना और वाटर कलर में पानी भरना पूरा तोड़ना सबसे बड़ा टीडियस है देखिए वो पिट में है नीचे हैश और ये जो बीसा टाइप के इंजन है जब फायर क्लीन होता था हैश बॉक्स उसमें गिरता था तो रेक से उसको तानना पड़ता था वो भाग जाते थे इसीलिए कंप्यूटर कौन सा क्लास है और बीसा टाइप एच एस इंजन स्मॉल इंजन भी बोलते थे हम लोग मगर एक्चुअली बीसा ब्रिटिश क्या उसका फुल फॉर्म हमको याद नहीं तो वो हैश पिट में जाके रेक से खींचना पड़ता था वो चक्कर के बीच से घुसते थे सर और आगे पीछे रास्ता नहीं रहता अगर कोचिंग ट्रेन जब जब के सेकंड बार में बने तब तो कोई नहीं वगैरह था नहीं नहीं कल से जाओ पर बस कल से जाओ और ड्राइवर सिखाएगा तो नो ट्रेनिंग था वो सीनियरिटी से दे देते हैं और एज ए सेकेंड पार्ट में मैंने अप्रिशिएटिंग कम से कम मैं 3 साल किया फर्स्ट पार्ट में कोचिंग में सर ये ट्रेनिंग कब से शुरू हुआ ट्रेनिंग का सेकेंड फायरमैन से ट्रेनिंग शुरू हुआ सिग्नल विग्नल का ज्ञान जो है वो ही पता आपको नया नया ट्रेनिंग स्कूल होता होगा जिसमें कुछ नहीं अच्छा उसमें कोई नहीं खाली हमारा ये नहीं तो उनको ऐसे कोई इंस्पेक्टर वगैरह मिलते हैं ऐसा करने से ठीक रहेगा साहब वो हाँ यस करो रिटायर्ड ड्राइवर्स को कुछ सैलरी में अपॉइंट कर लिए वो ड्राइवर लोग कुछ लेक्चर देते हैं बस सेफ वर्किंग टाइम टेबल देखना ये वो बनाना वो टेबल कैसा है ये सब अच्छा ग्रेडिएंट में पॉइंटिंग ट्रेन को कैसा ड्राइविंग करना सैंडिंग यूज़ करना ऐसा ये सब चीज़ जो मोटा मोटी वो लोग जानते थे बता देते बट एक चीज़ बताइए आप बुकिंग क्लर्क को कितना करते हो पैसा नहीं कोई वो हफ्ता नहीं देते थे बुकिंग क्लर्क मैंने कोई बट एक तो हार्ड लेबोरियस वर्क आदमी नहीं मिलते थे काम करने आप बेहतर देने की बात ऐसा नहीं है कि 2 रुपया देना पड़ता था बुकिंग क्लर्क वो सुनिए वो काम अभी मैं आपको बट नॉट फॉर पोस्टिंग एक तो सीनियर पोस्ट ड्राइवर के साथ स्टाफ जाने को घबराते थे वेरी डिसिप्लिन टाइप और ये एंग्लो इंडियंस लोग बहुत बदमाश रहते थे अट्रैक्टर भागते थे मेंटेन करना इट इज नॉट ए जो ये छुट्टी लेना है या कुछ और करना है उस टाइम बट बुकिंग के लिए फोर मैन यूज टू रिक्वेस्ट या तुम जाओ भाई वो कैसा नहीं हो रिक्वेस्ट करते अच्छे जो स्टाफ थे उनको क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैं ये भी था हमारे बठिंडा थे पंजाब में स्ट्राइक रनिंग स्टाफ स्ट्राइक के बाद में तो वहाँ पे इशू ये था जब मैं वहाँ गया 15 दिन में शहर में फिगर था तो वहाँ पे लोग कंप्लेंट उनका ये था कि जो वहाँ पर बुकिंग क्लर्क है उसको आई थिंक 2 रुपीज़ या 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ ऐसा उससे ज़्यादा उनको रेगुलरली देना पड़ता था नहीं तो उनको बुकिंग नहीं देते मैं नया नया था कुछ मालूम नहीं था मगर देखिए वो सही है तो मालूम था 1972 जी देखिएगा मैकेनिकल स्पेशल मैकेनिकल होकर मैं जानता हूँ अपना प्रैक्टिकल स्टाफ की इतनी कमी थी लेकिन ये नो लिमिट और ड्यूटी इन लोग बुकिंग करने की जरूरत पे मिन्नत करके बुकिंग करते मैक्सिमम आपका जैसे ये कहना हुआ रूट वगैरह तो बाद में बहुत कहना हुआ उसका 71 के बाद आया देर इज नो ड्यूटी अवर 1971 में फर्स्ट LRS स्ट्राइक हुआ उन लोग ने वो ऑल इंडिया रेस ने ये सब काम करके बहुत बड़ा डिमांड किया था तो वो जमाना में देश में वो टाइम में सिर्फ साइनिंग ऑन टू साइनिंग ऑफ 14 आवर ड्यूटी हुआ उसके पहले तो ड्यूटी आवर था ही इंजन से चढ़े हैं आपको जब वहाँ डिस्प्ले
उनको कौन है, सिर्फ पुराना आदमी जो मिस्त्री लोग हैं गाँव से आते हैं काम करते हैं, उनको बोलते थे कि जा रहा है गाँव से लड़कर लोग तो आओ अपॉइंटमेंट काम करने के आती नहीं, ऐसा बोल के मनाते थे। वो तो जैसे पी डब्ल्यू वगैरह को जमाने में ये जो ई डब्ल्यू आर डिफरेंट रेलवे में डिफरेंट नाम पावर में भी ई डब्ल्यू आर एसेंशियल वर्कर रिक्वायरमेंट, तो एज एम ई मैं भी वो ई डब्ल्यू आर सेंड करता था कि जितना भी चल रहा था उसके बेसिस पर कोमेंट जिसको रख लें या पी डब्ल्यू आर जिसको रख लें, तब कोई वैसा वो नहीं था। They were all, they would continue on casual for years. Casual में ही रहते थे और even up to 70s, ये department में जब मैंने कुछ more casual हो गए, उनका कोई senior team में कुछ कुछ उनको देखने वाले थे, नहीं तो जब 30 साल के अंदर ड्यूटी हो जाता आप कैसे उसको कुछ नहीं कर सकते because rule